नमस्कार, बॉलीवुड ट्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। रति अग्निहोत्री भारतीय फिल्म अभिनेत्री और टीवी कलाकार हैं। उन्होंने 10 भाषाओं के तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है। रति का जन्म 10 नवंबर 1960 को मुंबई में हुआ था। रति अग्निहोत्री एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रति ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम 10 साल की उम्र में ही रख दिया था। रति अपने स्कूली दिनों के दौरान ही कई स्टेज शोज में हिस्सा लेती थी। रति के करियर की शुरुआत स्कूल प्ले के दौरान हुई, क्योंकि तभी निर्देशक भारती राजा की नज़र रति पर पड़ी थी। रति के अभिनय को देखते ही उन्होंने रति को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। उस समय रति महज 16 साल की थी जब उन्हें उनकी पहली फिल्म बतौर हीरोइन ऑफर हुई थी। रति की पहली फिल्म सुपरहिट रही और उसने रति अग्निहोत्री को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद निर्देशक भारती राजा ने उन्हें अपनी दूसरी फिल्म में भी मौका दिया। फिल्म फिर से हिट रही और रति अग्निहोत्री सिने जगत में सफल अभिनेत्री बन गई। रति ने साउथ के कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें रजनीकांत, कमल हसन भी शामिल थे। रति ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें उनकी सुपरहिट फिल्म फर्ज और कानून थी। फिल्म कूली में उनके ऑपोजिट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन नजर आए थे। उन्हें फिल्म तवायफ के लिए फिल्मफेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। साल 1985 में उन्होंने बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से शादी कर ली थी। हालांकि शादी के बाद भी वो फिल्मों में सक्रिय रहीं, लेकिन जब उनके बेटे तनुज वीरवानी का जन्म हुआ तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। फिल्मों से लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने 16 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने काजोल की ग्लैमरस माँ का किरदार निभाया था। अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और खूबसूरती की बदौलत रति अग्निहोत्री ने सिनेमा जगत में अपना अलग ही स्थान बनाया है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।